चुन्नी मेरी रंग दे ललारिया मेरे यार दी गड्डी दे नाल दी। भाभी क्या हुआ है? कुछ नहीं, वो बस मैं खाना बना के फाड़ी हुई थी ना, और वैसे भी मम्मी के मैसेज आए थे मुझे, तो मैं वो इनको ही देख रही हूँ। आज तो दिल ही नहीं कर रहा कुछ करने को, तो आराम कर लो जाके। जी यही सोच रही हूँ, अभी वैसे भी साजिद के आने में बहुत घंटे हैं, थोड़ी देर आराम कर लूँगी। अच्छी बात है। भाभी खाना बन गया? आलू पोस्ट बनाए हैं। जरा माँ जी के कमरे से वहाँ फिर आराम करती हूँ, बंदा बैठा बैठा थक भी तो जाता है। माँ जी कैसी हैं? हो गई तुम्हारी सुबह? आपको भाभी ने बताया नहीं मैं किचन में थी? मैंने तुम्हें जब भी देखा तुम सोई मड़ी रहती है, पता नहीं कौन सा नशा करते, तुम्हारी नींदें नहीं पूरी होती। सोई कहाँ थी मैं सुबह से? किचन में काम कर रही हूँ, आलू गोश्त बना आई थी और साथ अभी चावल बना कर हटी, और आपसे मैं ये पूछने आई थी कि आपके लिए साथ रोटी भी बना दूँ। अरे रहने दो, मैं चावल ही खा लूँगी। चले ठीक है, चलती हूँ, साजिद के आने में अभी 3 घंटे बाकी हैं, कुछ देर आराम कर लेती हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेगम। बहुत थक गया मैं आज। बेगम खाने में क्या बनाया है? आलू कोफ्ता चावल बनाए हैं। लाम आपके लिए खाना? हाँ मैं अम्मा जान के रूम में, तुम वही खाना ले आना मेरे लिए, ठीक है? जी आप बैठे, मैं बिले के आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी जान, कैसी हैं? खाना खाया आपने? हाँ पूछ लिया था जारा ने मुझसे, अपनी बीवी से कहो खुद भी थोड़ा काम कर लिया करे। मगर अम्मा खान सुबह नहीं बनाया था। बस कर दो मियाँ, तुम्हें तो वैसे अपनी बीवी के सामने सब झूठे लगते हैं। सबा खाना किसने बनाया है? जी वो मुझे जारा ने बता दे कि सारा खाना जारा ने बनाया। अब शाम का सारा खाना अब तुमने बनाना है, हम भी बैठ गए वाले। जारा को अब शाम को कोई काम ना कहना।